अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। तदाल ऑर्गेनिक फार्म्स, आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताने लगा हूँ कि बाहर के सीड्स से अपने सीड्स कैसे जनरेट करें। तो इस वक्त मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनके सीड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हालत में आ गए। तो इसमें एक तो मेरे पास ये है गार्डन क्रेस। अगर आप गौर से देखें तो इसके तकरीबन सीड्स जो हैं वो इसके छोटे छोटे पॉट्स के अंदर सीड्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये अगर आप गौर से देखें तो ये सीड्स हैं, इसके लीव्स ये हैं। अगर आप मिक्स करें तो ये लीव्स नहीं है, लीव्स ये वाले हैं और ये बाकी सारे के सारे सीड्स हैं। तो हमने इनमें से कुछ पौधे जो हैं उनको हमने छोड़ दिया था कि इनको हम ओपन पोलिनेशन होने दें और फिर इसके अपने सीड तैयार करें। क्या ये सीड उस सीड के मुकाबले के होंगे जो कि मैं US से ख़रीद के लाया था? ये बेसिकली सब ऑर्गेनिक सीड्स लेके आता हूँ, मेरे ख़्याल में नहीं होंगे। वो ज़्यादा एक लैब टाइप एनवायरनमेंट में बनाए हैं, ये हमने ओपन पॉलिनेशन किया, मगर मैं समझता हूँ कि शायद मेरे लिए ये सीड ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि ये इस एनवायरनमेंट के साथ अब अडाप्ट कर गए। ऐसे ही अगर आप देखें तो ये बागछोए है या पक्छोए भी कहते हैं इसको, ये इसके सीड्स हैं। ये जो है ना, ये भी अभी काफ़ी सारे तैयार हैं और इंशाल्लाह ये मेरे लिए अच्छे बड़ी सीड्स होंगे। मतलब ये तो इतने सीड नहीं मिलते आपको $4-5 के ना, तो ये तो मेरे पास इंशाल्लाह मे भी शायद KG के सीड्स बन जाएंगे। तो ये भी इंशाल्लाह अगली बार जो है ना इनकी क्वांटिटीज़ मैंने इनक्रीज़ करनी है और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जैसे मेरा इन लेटिसेस पे हर्ब्स पे कंट्रोल आता जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इनकी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करूँगा। ये भी चाइनीज़ कैबेज है, इसकी भी फ्लावरिंग हुई हुई है, ये भी इंशाल्लाह मेरे इसमें सीड्स आ जाएंगे। फिर ऐसे ही आप देखें तो ये डिफरेंट किस्म के जैसे सैलड्स हैं तो इसकी भी पॉलिनेशन हुई है। अब ये देखें ना, ये भी इसकी कुछ पॉलिनेशन हो चुकी है, कुछ ये बर्ड्स अभी खुलने वाले हैं। ये देखें कुछ फ्लावरिंग पे, तो अभी जैसे ये करली केल है, आइडेंटिफाई हमने किया हुआ है इसको प्रॉपर, ताकि सीड्स जो है उसको हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई के करके अपने लद लद रखें। आइस पर की अभी तक कोई मुझे सीड्स नज़र नहीं आए, मगर आप ये जैसे देखें कि ये जो है रैपिड ग्रैंड जो हैं इनके सीड्स निकल आए हैं बहुत ज़्यादा। ये लोलो रोज़ा जो है ये भी देखें आप फ्लावरिंग पर आया हुआ है, ये भी निकल आएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि यहाँ अच्छी हर्ब ग्रो की है वो थाइम है, जिसको हम जवैन कहते हैं, ठीक है, फेनल है जिसको हम सौंफ कहते हैं, और दिल जिसको हम सोए कहते हैं। तो ये माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी इन्होंने ग्रोथ